सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। बहुबार नमस्कार। आप सबको सुखी परिवार हो तो ऐसा परिवार जैसे भगवान शिव का परिवार। वाहन तो नंदी है गले में, नाग देवता को डाल रखा हुआ है, पुत्र गणेश का वाहन चूहा है, माँ पार्वती का वाहन शेर है। किसी का भी आपस में कोई मेल जोल नहीं, लेकिन आज तक किसी ने सुना तो नहीं है कि किसी में कोई झगड़ा हुआ हो, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। तो परिवार हो तो इस प्रकार का परिवार हो जो परस्पर प्रेम पूर्वक रह सके, वहीं पर परमात्मा देव का निवास हुआ करता है। जहाँ कला होती है वहाँ परमात्मा माँ लक्ष्मी वहाँ विराजमान नहीं रहती, छोड़ जाती हैं उस जगह को। जहाँ प्रेम सु परमात्मा रहते हैं वहीं प्रेम का निवास होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ प्रेम सु परमात्मा का निवास हुआ करता है। आदर्श परिवार, सुखी परिवार, इस प्रकार का परिवार होना चाहिए। आय साधक जनों, गृहस्थ हैं या विरक्त, हरि के जीवन में कभी न कभी इस प्रकार की बात आती है, जैसे कभी क्या शायद बहुधा आती है। सुबह ध्यान बहुत अच्छा लग गया, शाम का ध्यान बिल्कुल किसी काम का नहीं लगा। साधक बहुत दुखी होता है, बहुत व्याकुल होता है। सुबह अच्छा ध्यान लगा था, शाम को ध्यान कोशिश करने के बावजूद भी नहीं लग रहा। मानो आदमी अपने आप को, साधक अपने आप को ऐसा महसूस करता है, किसी कारण से मैं आज परमात्मा से विमुख हो गया हूँ। कुछ एक बातें साधक जनों जिंदगी में, साधक के जीवन में इस प्रकार की पक्की उतरनी चाहिए कि इनके प्रति जीवन में कभी संशय ना आए। सर्वप्रथम, परमात्मा कभी विमुख नहीं होते, हम परमात्मा से विमुख होते हैं। ये बात अपने जीवन में बसा के रखिएगा। कभी ऐसा नहीं कहना परमात्मा मेरे से रुष्ट हो गए हुए हैं, ये परमात्मा का स्वभाव नहीं है। आपके अंदर विमुखता आई है, अपने अंदर कारण ढूंढिएगा, क्यों अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हो देवी की परमात्मा से मैं विमुख हो गई हूँ। परमात्मा का स्वभाव ऐसा नहीं है कि वह किसी से विमुख हो जाए, परमात्मा का ऐसा स्वभाव नहीं है कि वह किसी से रुष्ट हो जाए। ऐसा कहना पाप है। कहते तो लोग संत के लिए भी ऐसे ही हैं, संत के लिए ऐसी सोचना कि अमुक संत महात्मा मेरे से गुस्से है, मेरे से रुष्ट हो गया हुआ है, कोई मेरे से भूल हो गई है इत्यादि इत्यादि, ना भाई। भूल हुई है तो आप संत से दूर हो गए हो, संत तो वैसा का वैसा ही है, उसे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए
कहा जाता है, संत के लिए भी ऐसा सोचना कि वे मेरे से रुष्ट है, मेरे से गुस्से है, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या परमात्मा के साथ ऐसा सोचना, दोनों पाप हैं, ये सोच हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हम जब परमात्मा से विमुख होते हैं तो क्या कारण होते हैं, आज इन्हीं कारणों को देखते हैं संक्षिप्त रूप से, क्या कारण हैं हमारे जीवन में जिनके कारण हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम परमात्मा से दूर चले गए हैं। परमात्मा नहीं दूर जाता, जा ही नहीं सकता, वह तो भीतर विराजमान है, कहाँ जाएगा, उसके लिए निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है, हम खिसक जाते हैं, हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। मानो कोई आगे बीच में कोई पर्दा आ जाता है किसी कारणवश, आइए देखते हैं वह विमुखता के कारण क्या है। संत महात्माओं ने खोज करके वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, चार प्रमुख कारण हैं, इनमें से कोई ना कोई कारण जरूर होगा आपके जीवन में जिनके कारण आप परमात्मा से विमुखता महसूस कर रहे हो। विमुखता मानो मुख परमात्मा की तरफ नहीं है, विमुखता इसी को कहोगे ना, परमात्मा की तरफ मुख, जैसे सूर्य की तरफ मुख होता है, सूर्य की तरफ पीठ हो जाती है, जब पीठ हो जाती है तो विमुखता कहा जाता है, जब आमना सामना होता है तो उन्मुखता कहा जाता है, आमने सामने हैं हम। परमात्मा के साथ भी ऐसे ही। सर्वप्रथम संत महात्मा कहते हैं हमारी पाप में रुचि परमात्मा से विमुखता का कारण है। पाप में रुचि क्यों? हमारे अंदर जो दुर्गुण दोष बैठे हुए हैं, जो पाप किए हुए पुराने संस्कार बैठे हुए हैं, वे प्रेरणा देते हैं। रजोगुण बैठा हुआ है, वह प्रेरणा देता है, वह प्रेरित करता है। याद है ना आपको, पार्थ पूछता है माधव, श्री गीता जी के तीसरे अध्याय में पूछता है माधव, ना चाहते हुए भी किससे आदमी प्रेरणा पाके तो पाप करता है, नहीं चाहता कि पाप करे लेकिन फिर भी पाप हो जाता है, कौन प्रेरक है? माधव जवाब देते हैं पार्थ, रजोगुण है। इसी को काम कहा जाता है, कामना कहा जाता है, इसी को क्रोध कहा जाता है। ये कामना बहुत पाप रूपा है, ये कामना बहुत बड़ी शत्रु है, ये काम बहुत बड़ा शत्रु है, ये पार्थ इसको हनन कर दे। जो कोई साधक अपनी साधना में सफल होना चाहता है वह पहले काम को हनन करे, काम रूपी शत्रु को हनन करे, कामना को हनन करे। मानो कामना ही प्रेरक है जो हमें पाप में प्रवृत्त करती है। एक आदि उदाहरण देखो साधक जन, तो ये चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। एक युवक एक संत महात्मा के पास गए, कहा महाराज मैंने ऐसा सुना है आप रोज परमात्मा के दर्शन करने के लिए जाते हो, आज मुझे भी ले चलो। बेचारे महात्मा फंस गए, चलो बेटा ठीक है पर बहुत लंबी यात्रा है बेटा, मुझे बहुत दूर जाना पड़ता है, चलोगे मेरे साथ? हाँ चलूंगा, हर प्रकार से मैं चलने को तैयार हूँ, उत्सुक है। महात्मा ने अपने साथ ले लिया, पहाड़ी पर चढ़ना था, उसकी दूसरी ओर जाना था। कहा बेटा मेरे पास अब सहायता का सामान है, आप मेरी सहायता कर सकते हो, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत सामान है ये उठा लो तो मुझे पहाड़ी चढ़ने में आसानी रहेगी। कुछ भी नहीं था खास, एक छोटा सा थैला सा था, उसमें पांच पत्थर थे, पांच छह पत्थर उसमें। कहा कोई नहीं बाबा मैं उठा लेता हूँ, मैं युवक हूँ, मेरे पास समर्थ है, मैं उठा के आपके साथ साथ चलता हूँ। ऊपर चढ़ा, सांस फूला, कहा बाबा पहले तो हल्के लग रहे थे, अब ये काफ़ी भारी लग रहे हैं, कोई थोड़ा बोझ इसमें से हल्का किया जा सकता हो तो कर दो। कोई नहीं बेटा, एक पत्थर उसमें से निकाल के फेंक दिया, पांच रह गए। थोड़ा और ऊपर चढ़ा, पांच भी बोझ लगने लग गया, भारी लगने लग गए, एक और निकाला। पहुंचते पहुंचते शिखर तक पहुंचते पहुंचते थैला खाली हो गया, छह में से कोई पत्थर भी नहीं था। कहने लगे जो वो कहता है बाबा जहां आना था आ गए, अब भगवान के दर्शन करवाओ। बाबा कहते हैं बेटा छह मामूली पत्थर तेरी पीठ पर थे तो तेरे लिए चलना मुश्किल,
तो जहाँ पहुँचना था लक्ष्य की प्राप्ति मुश्किल। अपने अंदर देख, छह चट्टानें तूने उठा रखी हुई हैं, जन्म जन्मांतर से उठाई हुई हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो छोटे छोटे पत्थर हैं, ये तो चट्टानें हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मत्सर इत्यादि, इनकी छह चट्टानें आपने उठा रखी हुई हैं, उनको उठाए हुए तो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इनको उठाए हुए अब परमात्मा का दर्शन कैसे कर सकते हो। विमुखता का एक कारण पाप में रुचि, हमारे अंदर रजोगुण पुराने संस्कार हमें पाप के लिए प्रेरित करते रहते हैं, कुछ ना कुछ पाप हमारे से होता ही रहता है, हेरा फेरी होती है, झूठ होता है, छल कपट होता है, बेईमानी होती है, भ्रष्टाचारी होती है, व्यभिचारी होती है, कई कुछ होता रहता है इन अपने किए हुए कुकर्मों के कारण, जो अंदर संस्कार पड़े हैं प्रेरक संस्कार ये प्रेरणा देते रहते हैं। पाप से छुटकारा पाना है साधक जनों तो कामना से छुटकारा पाओ, आसक्ति इसकी माँ है, कामना बच्चे हैं, अनेक कामनाएं, आसक्ति तो एक ही है, जननी एक ही है, पर अनेक कामनाओं को जन्म देती है, अनेक बच्चों को जन्म देती है, कामनाएं इन्हें कहा जाता है। कामना रखने वाला व्यक्ति साधक क्षणों कभी परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाता, ये कामना हमारे से बहुत कुछ करवाती है। कुछ वर्ष पहले की बात है, बिहार के पटना नगर से कुछ व्यक्ति शिफ्ट हुए लुधियाना, वहां जाके रहने लगे, हालात थोड़े ठीक हुए, पूरा परिवार तो वापस नहीं आ सका, कुछ वापस चले गए पटना, एक बच्चा 20-25 साल का वहीं रहा, किसी कपड़े की किसी की दुकान थी उस पर नौकरी करता है, 1,000 रुपया महीने की तनख्वाह, उस वक्त की बात है, काफ़ी होता होगा, 1,000 रुपया महीने की तनख्वाह मिलती है, शायद दोपहर को चाय इत्यादि भी मिल जाती होगी, एक वक्त का भोजन भी मिल जाता होगा मालकों की तरफ से, बहुत संतुष्ट है, कामकाज ठीक चल रहा है। दुकान का मालिक को पैरालिसिस हुआ है, वह दुकान पर आ नहीं सकता, धीरे धीरे सारा कामकाज उसने इस नौकर को ही सौंप दिया हुआ है, दिन में एक बार व्हीलचेयर पर आता है, आके थोड़ी देर के लिए दुकान पर बैठता है और फिर वापस चला जाता है। आज इस बालक का चाचा इसे मिलने के लिए आया है लुधियाना, देखने के लिए आया है, पुत्र का कामकाज, भतीजे का कामकाज कैसा चल रहा है, सब ठीक है ना, इसके रहने की व्यवस्था सब कुछ ठीक है, देख के बहुत प्रसन्न होता है, बच्चा अकेला ही बैठा है, मालिक की तरह काम कर रहा है। पूछा, पुत्र आजकल कितने रुपये तनख्वाह मिलती है? कहा, मालिक ने 500-100 रुपया और बढ़ा दिए हैं, 1500 तनख्वाह हो गई है, और चाचा जी 1500 ही लगभग ऊपर हो जाते हैं, मालिक यहाँ आता नहीं, दिन भर मैं ही मालिक होता हूँ, बीमार है। चाचा कहता है, बड़ी परमात्मा की कृपा है, देवी यदि ये परमात्मा की कृपा है तो परमात्मा का कोप क्या होगा, अच्छा चाचा होता, अच्छा बाप होता तो इसके मुख पर थप्पड़ मारता, ये तो परमात्मा की कृपा, पर ये तो परमात्मा की कृपा नहीं है कि 1500 तनख्वाह मिलती है, 1500 ऊपर हो जाता है, ये परमात्मा की कृपा नहीं है। साधक जनों, ये शब्द हम प्रयोग करते हैं मोह ममता के कारण, शब्द हम प्रयोग करते हैं, ऐसा हम व्यवहार करते हैं, ऐसा हमारा आचरण होता है, इन कामनाओं की पूर्ति के लिए आदमी कितने सारे ढेर सारे दिन में पाप कमा देता है। पापी जीवन हमें परमात्मा से विमुख करता है, पापी जीवन हमें परमात्मा के उन्मुख नहीं रहने देता, वह सामान्य ग्रस्त है या आपका कार्य क्षेत्र है, कहीं पर भी जहां पर भी ऐसा होगा, जहां पर भी आपको पाप करने पड़ेंगे, आपको मन तो एक आप ही का है,
वह आपको परमात्मा के उन्मुख नहीं रहने देता। ये पाप पहला कारण है विमुख होने का, पाप में रुचि। दूसरा कारण साधकजनों, मन की चंचलता। दो प्रकार की कहते हैं मन की चंचलता होती है। क्यों होती है? एक तो जिसके प्रति राग होता है उसकी याद सताती रहती है, जिसके प्रति द्वेष होता है उसकी याद आती आती है, अधिक आती है। ये दोनों हमारे मन को चंचल बनाने वाली चीज़ें हैं। संत महात्मा समझाते हैं, भाई इस दोष से मुक्त होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, परमात्मा के साथ आसक्त हो जाओ तो संसार के प्रति जो राग और द्वेष है वह अपने आप मिट जाता है, खत्म हो जाता है। पाप में रुचि यदि है आपकी पहला कारण, तो आपको धर्माचरण में रुचि होनी चाहिए। धर्म के अनुसार आपको कुछ भी हो, मैंने धर्म को छोड़ना नहीं है, तो उससे पाप में प्रवृत्ति भी जो है वह मर जाती है। दूसरी बात मन की चंचलता। मन की चंचलता दो बातों के कारण, सर्वप्रथम राग द्वेष के कारण। संत महात्मा समझाते हैं, यदि आपका राग या द्वेष भी, चलो कोई बात नहीं द्वेष भी सही, वह भी यदि परमात्मा के साथ जुड़ जाता है तो संसार के प्रति आपका राग द्वेष अपने आप छूट जाता है। बड़ा साधारण सा साधन संतों महात्माओं ने खोज करके हमें बताया। मन की चंचलता का एक और कारण है, जहां राग नहीं है द्वेष नहीं है, अकारण, नो रीजन, मन को गलत मलत सोचने की आदत पड़ गई हुई है, कुछ नहीं कर सकते आप। संत महात्मा समझाते हैं, देवी इस कारण को दूर करने के लिए परमात्मा से आसक्ति इतनी काम नहीं आती जितना ध्यान काम आता है, इसे योग कहा जाता है। ध्यान आपकी मन की विक्षिप्तता को, ये मन जो इस प्रकार से क्षुब्ध रहता है अकारण, नो रीजन, सोचने की आदत पड़ गई हुई है, कुछ ना कुछ मन सोचता रहता है, प्रायः गलत, ठीक तो नहीं सोचता। इस सोच को यदि मारना चाहते हो साधक जनों, तो ध्यान का आश्रय लीजिएगा। संत महात्मा दो साधन बहुत सुंदर बताते हैं, आप तो दोनों ही करते हो, ध्यान में भी बैठते हो और परमात्मा की भक्ति भी करते हो, परमात्मा से प्रेम भी करते हो। तीसरा कारण, बड़े संक्षिप्त रूप से सब बातें अब जी किसी में कही जा रही हैं, पर्याप्त हैं हमारे लिए, हमें अधिक जानकारी की आवश्यकता नहीं, तो राम राम जपने वाले हैं, पर साथ ही साथ ये बातें भी हों तो राम रंग बहुत आसानी से चढ़ जाता है। तीसरी बात, परमात्मा के विषय में हमें यदि जानकारी पूरी नहीं है तो ये भी एक विमुखता का कारण हो सकता है। उदाहरणतया घर में कोई दुर्घटना घटित हो गई है, अकस्मात कुछ ऐसा हो गया है, मुकदमा आ गया है, कोई अकाल मृत्यु हो गई है, कोई दुर्घटना घटित हो गई है घर में, भक्त है परमात्मा का, प्यारा है, परमात्मा के बारे में बहुत सब कुछ जानने वाला है, जानकार है, कहे का दुख आया है, अपने कर्मों का खेल है, इसको सहन करना चाहिए, मुझे सहर्ष सहन करना चाहिए, कुड़कुड़ नहीं करना चाहिए, कुड़कुड़ करता है तो परमात्मा से विमुख हो जाता है। यदि सहर्ष शिरोधार ये करता है, ये समझता है कि परमात्मा की दी हुई चीज़ है और परमात्मा की करने में कोई दोष नहीं है, कोई गलती नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई अत्याचार नहीं है, ये परमात्मा के बारे में जानकारी है, जानकारी है तो सहर्ष सहन करता है, परमात्मा के उन्मुख रहता है, वह परमात्मा के अनुकूल रहता है तो परमात्मा उसके अनुकूल रहता है, शाबाशी देता है, शाबाश बेटा तुझे मेरी करनी में गलती नहीं लग रही, मैं तुझे प्यार करता हूं, परमात्मा का प्यार मिलता है, परमात्मा उसे विमुख नहीं होने देता, उसे पकड़ के रखता है, संभाल के रखता है। यदि परमात्मा की करनी में वही व्यक्ति गलती ढूंढता है, रोता है, दुखी होता है, इधर बात करता है, उधर बात करता है, मैंने जिंदगी में कभी कोई कुकर्म नहीं किया, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, न जाने परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया है, इत्यादि इत्यादि रोता है, बिलखता है, दूसरों से इस प्रकार की शिकायतें करता है, उलाहने मान, ये सारे के सारे चिन्ह देवियों बुद्धिमता नहीं है। आप प्रायः ये सब बातें, इस प्रकार की बातें लिखते हो, कहते हो, और मैं आपको लिख देता हूँ वापस, माँ ऐसा लिखना बुद्धिमता तो नहीं है, तेरा ऐसा व्यवहार बुद्धिमता नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये तेरी सोच ठीक नहीं है।
परमात्मा के बारे में अपनी सोच बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए, अपना बोध, नहीं तो पूछ लो किसी से, स्वयं को नहीं पता है तो पूछ लो, मेरा आजकल ध्यान में भजन पाठ में मन नहीं लग रहा, पूछो किसी से क्या कारण हो सकता है, तो वह बताएगा कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सोच गलत हो गई हो, आपने अपनी तार परमात्मा से तोड़ ली हो। सोच गलत होते ही तार परमात्मा से टूट जाती है। परमात्मा ने शिकायत का कहीं कोई गुंजाइश नहीं रखी, कोई शिकायत नहीं, आपके अपने कर्मों का फल है, मैं तो मात्र उन कर्मों के फल को भोगने की व्यवस्था आपके सामने कर रहा हूं, मेरा बिल्कुल किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हाँ, प्यार में कभी उलाहना दो तो और बात है, प्यार में कभी इस प्रकार की बात करो तो कोई और बात है, लेकिन आप शिकायत करो इस प्रकार की, नहीं तू दोषी है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, मैंने, मुझे नहीं याद मैंने इस जिंदगी में किसी का कुछ बिगाड़ा है। अरे भाई, शरीर इस जन्म से शुरू हुआ हुआ है, जीवन तो ना जाने कब से शुरू हुआ हुआ है, कब से चला हुआ है और कब तक ये चलेगा, जब तक आप इसको खत्म नहीं कर ले। तीन कारण हो गए देवियों सज्जनों, चौथा कारण प्रमुख कारण है अभिमान। इस बारे में चर्चा साधक चरण थोड़ी विस्तार पूर्वक करते हैं, शुरू कर लेते हैं, समय लगा तो रात्रि की बैठक में भी इस चर्चा को जारी रखेंगे, कुछ छुटपुट मोटी मोटी बातें कर लेंगे रात को भी। इस शत्रु से हर एक को बचने की जरूरत है, बाकी तीन कारण जिंदगी में हों तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक ये बना रहेगा आप कभी परमात्मा के उन्मुख नहीं हो पाओगे। घर का नौकर है घर का मालिक, ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जिसे इस राक्षस ने पकड़ना रखा हुआ हो। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है हमारे जीवन में, है तो बात बहुत साधारण सी, लेकिन इसका प्रकोप बड़ा भयानक है। ये आपको आपके जीवन में झुकना नहीं, झुकने नहीं देगा, और बिन झुके परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। अभिमान को मारना मानो विनम्र हो जाना, झुकना आपके जीवन में दैन्य आ जाना। भगवान को दीनता बहुत पसंद है, दैन्य बहुत पसंद है, इसीलिए भक्ति बहुत पसंद है, इसीलिए भक्त बहुत पसंद है। क्यों? भक्त के जीवन में अभिमान नहीं है, भक्त के जीवन में दैन्यता है, और दैन्यता भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान का यदि किसी चीज के साथ द्वेष है तो वह है अभिमान। लाख लाख शुक्र है परमात्मा तेरा द्वेष बना रहे, कहो परमात्मा से, परमात्मा देव तेरा द्वेष बना रहे, क्यों? इससे हमें लाभ होगा, हमारे अंदर जो अभिमान बैठा है उसके प्रति तेरा द्वेष होगा, तेरा वैर होगा, तो एक ना एक दिन तू जरूर उसे मारेगा, नहीं तो हम जिंदगी भर जन्म जन्मांतर हम अभिमानी रहेंगे, हम अपने बल पर तो इन्हें इसे मार नहीं सकेंगे। तेरा द्वेष बना रहे परमात्मा, ये प्यार की बातें हैं, तू अपना द्वेष बनाए रख, तू द्वेष इससे करेगा तो एक ना एक दिन इसका हनन भी करेगा। साधकजनों, लॉर्ड इज वेरी प्रॉम्प्ट, पुनः याद रखिएगा, वह इंतजार नहीं करता कब अभिमान तेरा पकेगा और कब मैं इसे फोड़ूंगा, ना, वह पकने की इंतजार नहीं करता, वह रोज रोज अनेक बार सिर पर हथेड़ा या मुख पर थप्पड़ मारता है, पीठ पर मुक्का मारता है या मरवाता रहता है आपका अभिमान गलत करने के लिए। अभिमान है क्या साधक जनों? संत महात्मा बड़े साधारण ढंग से देवी सज्जनों समझाते हैं, अपने आप को किसी भी कारण से अपने आप को सुपीरियर मानना, उत्कृष्ट मानना दूसरे से अभिमान है। अब सोचो कौन अभिमानी नहीं है, किसी भी कारण से किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आप ये सोच लगो ये मेरे से इंफीरियर है, मैं सुपीरियर हूं। 26 प्रकार के मत बताए गए हैं साधक जनों, 26 प्रकार का मत। किसी को छोड़ता नहीं है साधक जनों, हर कोई मात्रा का अंतर हो सकता है लेकिन हर कोई इसकी पकड़ में है।
जो भगवान के बहुत नज़दीक हैं, संतों महात्माओं के बहुत नज़दीक हैं, अपने आप को बहुत नज़दीक समझते हैं, उनमें अभिमान के अधिक चांसेस। आज साधकों ये चर्चा यहीं से शुरू करते हैं, अभिमान की चर्चा। आज सत्यभामा को अपनी सुंदरता का अभिमान हो गया है, गरुड़ जी महाराज को अपनी तीव्र गति का अभिमान हो गया है, ये अभिमान हो गया है भगवान मेरे बिना कहीं जा नहीं सकते, क्यों मैं बहुत तेज़ी से उन्हें जहाँ भी जाना होता है वहाँ पहुँचा देता हूँ। सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया है, कितना शक्तिशाली हूँ मैं, अमोघ, जिसे मारना चाहा मार दिया, कोई बचा नहीं इसके प्रकोप से। इन तीनों को अभिमान हो गया है, तीनों भगवान के आसपास मंडराने वाले। गरुड़ जी पर भगवान सवारी करते हैं, सुदर्शन चक्र को चलाते रहते हैं, इशारा करते हैं जाओ दुर्वासा ऋषि को मार के आओ, सुदर्शन चक्र चला जाता है, मार देता है जाके, किसी को भी मारना होता है सुदर्शन चक्र चला जाता है। 26 मदों में से एक मद अपने सौंदर्य का भी है, वह सत्यभामा को हो गया, मेरी जैसी सुंदरी कोई नहीं है। भगवान इन तीनों का अभिमान आज तोड़ने के लिए तत्पर हो गए हैं। गरुड़ को भेजा, गरुड़ जाओ तत्काल मेरे भक्त हनुमान के पास जाओ, आज हनुमान जी का जन्मदिवस भी है, जाओ हनुमान के पास, कहो द्वारकानाथ ने बुलाया है। गरुड़ जी चले गए हैं, जाके राम राम हुई, कहा आपको द्वारकानाथ ने बुलाया है। हनुमान जी परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, भगवान के दिल की बात जानने वाले, वही अनन्य भक्त, वही परम भक्त। हर कोई तो भेद परमात्मा के रहस्यों को जान नहीं सकता, वही जान सकता है जिसे वह जताता है, जिसे वह जनाना चाहता है, वह है हनुमान जी महाराज। कोई रहस्य की बात लगती है, मुझे द्वारकानाथ को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, कुछ समय नहीं लगा तत्काल समझ गए कोई कारण है। कहा कौन द्वारकानाथ, मैं तो किसी द्वारकानाथ को नहीं जानता, मैं तो अयोध्या नाथ का सेवक हूँ, आपको गलती लगी है, आप मेहरबानी करके वापस चले जाइएगा। वापस कर दिया। गरुड़ जी ने आके भगवान से कहा, हनुमान जी ऐसे कह रहे हैं, मैं तो अयोध्या नाथ का दास हूँ, मैं द्वारकानाथ का नहीं। भगवान मुस्कुराए, कहो जाके कहो अयोध्या नाथ ने बुलाया है। गरुड़ जी हनुमान जी महाराज को बुलाने के लिए दोबारा गए हैं, कहा है अयोध्या नाथ ने बुलाया है। हनुमान जी महाराज को सारी बात समझने में बहुत देरी नहीं लगी, कहा गरुड़ जी आप आगे चलो, मैं आपको पीछे पकड़ता हूँ। नहीं नहीं आप मेरी पीठ पर बैठो, भगवान ने बहुत जल्द बुलाया है, देरी की गुंजाइश नहीं, आप अपने से आओगे तो देरी हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ने फिर कहा, गरुड़ जी आप चलो, मैं आपको पीछे पीछे पकड़ता हूँ। गरुड़ जी ने आग्रह किया तो गरुड़ जी को पकड़ के हनुमान जी महाराज ने यूं फेंका, अनेक कोस दूर सागर में जाके गरुड़ जी गिरे, हनुमान जी चल पड़े हैं। गरुड़ को भेजने के बाद भगवान ने सत्यभामा को बुलाया, सत्यभामा हनुमान जी आ रहे हैं, राम जी के अनन्य भक्त, मैं तो अभी राम रूप धारण करने वाला हूँ, वे आएंगे तो सीता को खोजेंगे, तो सीता कौन बनेगा, मैं हूं ना। सत्यभामा ने कहा, आपको याद है ना भगवान श्री सत्यभामा के सौंदर्य का गर्भ तोड़ने जा रहे हैं, गर्भ की तीव्र गति का गर्भ तोड़ने जा रहे हैं,
और सुदर्शन चक्र की शक्ति का गर्व तोड़ने जा रहे हैं, अपनों पर आज बहुत अनायत कर रहे हैं परमात्मा देव, अपनों का अभिमान तोड़ने जा रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है, इससे बड़ी कृपा और कोई नहीं हो सकती। जब परमात्मा एक अभिमानी का अभिमान तोड़ दे तो इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है। मैं जो हूँ आप सोचते हो जानकी मेरे से अधिक सुंदर होगी, मैं ही जानकी का रूप धारण करके यहीं बैठ जाऊंगी। ठीक है, भगवान श्री इस बात को मान गए हैं। हनुमान जी आए, आके प्रणाम किया, सत्यभामा की तरफ देखा तक नहीं। हनुमान जी हैं माता, इसीलिए आप जी से कहता हूँ हनुमान जी महाराज को अपना आदर्श रखो, आगे आगे हनुमान जी, पीछे पीछे आप चलो, उनके पीछे पीछे चलने से सदा सुरक्षित रहोगे, कहीं किसी प्रकार का भय नहीं। उनसे सिर दर्द ठीक करवाने की भीख न मांगो, पेट दर्द अपने संकट इत्यादि निवारण की भीख न मांगो, उनसे मांगो अपने जैसी राम भक्ति दे, अपने जैसा सेवक बना, ये हनुमान जी के अतिरिक्त और कोई इतनी आसानी से नहीं दे सकेगा। ये चीजें हनुमान जी महाराज से मांगनी चाहिए। आप पुरुष हो या महिला, हर एक को यदि लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हर एक को हनुमान जी के आगे गिड़गिड़ा के इस प्रकार की भीख मांगने की आवश्यकता है। दयालु हैं वे बहुत, उन्होंने आप सबके जीवन में साधन काल में जो कठिनाइयां आती हैं उन सब कठिनाइयों को हनुमान जी महाराज ने सहन किया हुआ है, देखा हुआ है, उन्हें पता है कौन सच्चा साधक है, किसके जीवन में चलते चलते ये कठिनाइयाँ आती हैं, और यदि वो चाहते हैं कि मैं उनकी कठिनाइयों को दूर करूं तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा हुआ हूं, कोई ऐसा हो। हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं, आगे भगवान को प्रणाम किया। इससे पहले कि वे द्वारका नगरी में प्रवेश करें, हनुमान जी महाराज सुदर्शन चक्र ने रोका है, मानो गेट कीपर उनका सुदर्शन चक्र है, रोका, कहाँ जा रहे हो? भगवान ने बुलाया है, तुरंत बुलाया है, इसलिए अंदर जा रहा हूँ। सुदर्शन चक्र कहते हैं आपको बुलाया होगा पर मुझे सूचना नहीं है कि आपको भीतर आने देना है, मैं भीतर नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने कहा देरी हो रही है भैया, मुझे जाने दो, मैं कोई झूठ नहीं कह रहा, भगवान ने मुझे बुलाया हुआ है, गरुड़ जी मुझे बुलाने के लिए गए थे, नहीं माना तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ के तो अपने मुख में रख लिया। हनुमान जी का मुख उस सुदर्शन चक्र के अंदर होने से फूला हुआ है। भगवान श्री ने जाते ही पूछा, हनु ये तेरा मुख इतना फूला हुआ क्यों है? इसलिए महाराज वो सुदर्शन चक्र बाहर खड़ा था, मुझे आने से रुक रहा था, मैंने उसे मुंह में डाला है, निकाल के बाहर उसको रख दिया, मानो उसे शक्तिहीन सिद्ध कर दिया। भगवान फरमाते हैं तू अपनी शक्ति का गर्व करता था, अपने आप को अति शक्तिशाली मानता था, देख तेरे जैसे को हनुमान जी महाराज ने अपनी भक्ति के बल पर, अपनी सेवा के बल पर, अपनी अनन्यता के बल पर, इसका बल होना चाहिए, उस बल से आपको अपने मुख में डाल के रखा हुआ है, उठा के रखा हुआ है। हनुमान कोई तुझे बुलाने के लिए भेजे थे वो कहाँ है? आते होंगे, हनुमान जी ने कहा, आते होंगे, मंद गति का पक्षी है, आ रहा होगा। इतनी देर में गरुड़ जी भी प्रवेश किए हैं, ये बात हनुमान जी की सुन ली है, मुख लटका के, पंख गीले, बड़ी मुश्किल से थोड़े सूखे गीले इस प्रकार से आ गए, बात सुन ली, उसका गर्व भी जो है वह शिथिल कर दिया। हनुमान जी पूछते हैं, महाराज धीराज आपको कोटि कोटि प्रणाम, करुणानिधि अपनी माँ सीता का स्थान किस दासी को आज दिया हुआ है? सत्यभामा के पास बैठे हुए किस दासी को आज आपने ये गौरव प्रदान किया है माँ सीता बनाने का? सत्यभामा का गर्व भी टूटा, माँ सीता जैसा सौंदर्य ये देवी सूचनो, शारीरिक सौंदर्य की कौन बात करता है, कौन परवाह करता है? परमात्मा बिल्कुल नहीं, भक्त क्या वो शारीरिक सौंदर्य को देखता है? ये तो वास्तविक सौंदर्य को देखता है।
वास्तविक सौंदर्य है, चरित्र का सौंदर्य है आपको, चरित्र आपको अति सुंदर बनाता है, वास्तविक सुंदर बनाता है। और वह सौंदर्य माँ सीता के पास है, और किसी नारी के पास उतना सौंदर्य नहीं है जितना माँ सीता के पास। इस प्रकार से साक्षर भगवान श्री अपने निकट घूमने वाले जो अभिमान के बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, उनका अभिमान प्रायः तोड़ते रहते हैं। एक छोटी सी और बात, उसके बाद चर्चा समाप्त करने की आपसे इजाजत मांगूंगा। महात्मा बुद्ध के बड़े भाई अनंत चचेरे भाई दीक्षा लेना चाह रहे हैं। दीक्षा लेने से पहले महात्मा बुद्ध के आगे चार शर्तें रखते हैं, तब भिक्षु बनूंगा। क्या खाक शिष्य बनेगा आनंद? जो शिष्य बनने से पहले शर्तें रख रहा है, वह क्या जीवन में शिष्य बन पाएगा? अरे अपना आप सौंपने जा रहे हो, अपना आप गुरु के चरणों में चढ़ाने जा रहे हो, अपने आप को समर्पित करने जा रहे हो, और वो भी शर्तें रख के क्या पाओगे? शुरुआत ही बहुत गलत है। महात्मा बुद्ध छोटे हैं, ये बड़ा है। चार शर्तें रखी हैं, जहां जाओगे साथ जाऊंगा, जिस कक्ष में रहोगे, जिस कक्ष में शयन करोगे, आपके साथ ही उसी कक्ष में रहूंगा। दो, तीसरी शर्त, जब भी किसी को मिलाना चाहूं आपको मिलना होगा। ऐसा नहीं कहना कि मैं इस वक्त मौन हूं या मैं एकांत में हूं, ना। जिस वक्त मैं कुछ पूछना चाहूं बताना होगा। महात्मा बुद्ध ने, गुरु महाराज ने चार शर्तें आजीवन निभाई। आज महात्मा बुद्ध का निर्वाण का समय आ गया है, जाने की तैयारी है। अनंत इतने दिनों में इतना पावरफुल हो गया हुआ है, लोग महात्मा बुद्ध को इतना नहीं पूछते जितना अनंत को पूछते हैं। ही इज नेक्स्ट, ही इज नंबर टू। बहुत पूछताछ है, हर एक को यही संदेह है। संदेह क्या, हर एक को यही पक्का है, नेक्स्ट बुद्ध अनंत। इसी को सब कुछ मिलेगा। ये महात्मा बुद्ध को भी अपने इशारों पर चलाता है। खुसर फुसर तो होती रहती है, बातचीत तो होती रहती है आपस में। इतना बड़ा है ये, आज निर्वाण का समय आ गया। न जाने महात्मा बुद्ध ने कितनों को बुद्धत्व प्राप्त करवा दिया होगा। अनंत खाली बैठा हुआ है। आज कहा, अनंत बड़े भैया कुछ पूछना हो तो पूछ लो। एक ही बात पूछी, बुद्ध मेरे मोक्ष का क्या हुआ, मेरे बुद्धत्व का क्या हुआ? पीछे लोग आए थे, वह बुद्धत्व पहले प्राप्त कर गए हैं, मैं अभी तक उस तत्वबोध से बिल्कुल अनभिज्ञ बैठा हूं। आज महात्मा बुद्ध अपना मुख खोलते हैं, बड़े भैया तू सदा बड़ा भैया ही रहा, कभी शिष्य बना ही नहीं। ये अध्यात्म है, ये शिष्यत्व के बिना पौषण नहीं होता। तू जीवन में कभी शिष्य बना ही नहीं, अपने आप को हमेशा बड़ा भाई मानता रहा, अपने आप को हमेशा इस प्रकार का मानता रहा कि बुद्ध को मुझे अपने इशारों पर न जाना है, अपने अनुसार उसे चलाना है, और मैं चलता भी रहा। महात्मा बुद्ध कहते हैं चलता भी रहा। गुरु ऐसी बातें देवियों सज्जनों करता रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता,
फर्क पड़ता है तो शिष्य को ही फर्क पड़ता है। देखो आज आनंद ही बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, गुरु तो भरपूर जा रहा है, न जाने कितनों को उन्होंने तार दिया, लेकिन एक जो शिष्य नहीं बन पाया वह बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। महात्मा बुद्ध कहते हैं अनंत बहुत बार आपको देना चाहा पर तू कभी तैयार ही नहीं था, देता किसको। बहुत बार मन में आया इस आनंद को कुछ दूं, तू कभी तैयार नहीं था, तेरे अंदर मांगने वाली विनम्रता ही नहीं आई, तेरे अंदर ग्रहण करने वाली जो नम्रता आनी चाहिए, जो विनम्रता आनी चाहिए, ग्रहणशीलता आनी चाहिए, वह कभी तेरे जीवन में नहीं आई। मैं किसको दूं, किसको मैं देता। और महात्मा बुद्ध प्रस्थान कर गए, शिष्य रह गया खाली का खाली, बड़ा भाई इधर उधर आसपास मटकने वाले ऐसे ही रह जाते हैं। श्रद्धा का मार्ग है देवियों, शिष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार गुरु से अपने आप उसका ज्ञान उसकी भक्ति खींच लेता है। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, विनम्रता चाहिए, ग्रहणशीलता चाहिए, फिर कौन रोक सकता है, फिर कोई नहीं रोक सकता। यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा साधक जनों। याद है ना आपको चर्चा चली थी परमात्मा से विमुख होने के क्या कारण है। ये अंतिम कारण अभिमान था, जिसकी थोड़ी चर्चा विस्तार पूर्वक हुई है। शेष कारण न भी हों, अकेला अभिमान ही पर्याप्त है आपको परमात्मा से विमुख करने के लिए। इतना शक्तिशाली है ये शत्रु, इतना शक्तिशाली है। परमात्मा के उन्मुख रहो, जिस प्रकार दिव्यो सूरज की ओर मुख करने से माया रूपी छाया तत्काल पीछे चली जाती है, और सूरज की तरफ जैसे ही आपकी पीठ हुई यही माया आपके आगे हो जाती है, यही छाया आपके आगे हो जाती है, मानो अब आप माया के पीछे पीछे चलने वाले हो जाते हो। और जैसे ही सूरज की तरफ आपका मुख मुड़ता है तो यही माया आपकी दासी बनके तो आपके पीछे पीछे हो जाती है। इसी को कहते हैं परमेश्वर की उन्मुखता, और इसी को कहते हैं परमात्मा की विमुखता। तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में, तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में, तेरे चरण कमल में जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल मेरा
लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के तेरे चरण कमल में राम लिपट जाऊं रज बन के पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन पाया ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन ओ पाया 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 मैंने राम रतन धन
राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता, तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लग, तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लग, तू राम राम बोल मीठा लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता, तू राम राम बोल मीठा लगता, राम राम बोल मीठा लगता, ना पैसा लगता है ना ढीला लगता है, तू राम राम बोल मीठा लगता, ना पैसा लगता है ना ढीला लगता है, तू राम राम शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः।